खरीदा। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो अभी तक हम यहाँ पे चैप्टर थ्री में हमने कर्मयोग के बारे में पढ़ा था, चैप्टर टू में हमने भगवद गीता का सारांश पढ़ा था, एंड चैप्टर वन में हमने जो है पढ़ा था किस तरीके से अर्जुन को कन्फ्यूजन हुआ था, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अर्जुन को कन्फ्यूजन हुआ, किस तरीके से अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था अपने रिलेटिव देखकर अपने सामने, कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ेगा, अपने किस तरह पितामह को मारेगा, द्रोणाचार्य को किस प्रकार मारेगा। वो नहीं मारना चाहता था, वो सोचता था कि अगर इनको मार देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी दूषित हो जाएगी, पारिवारिक परंपराएं टूटेगी टूटेंगी, उसको भय लग रहा था, है ना। उसके अलावा उसको दया आ रही थी, पारिवारिक परंपराएं टूटने का डर था, है ना। ये सारी चीजों के कारण अर्जुन बहुत विलाप कर रहा था, और अर्जुन किसी भी तरीके से युद्ध को टालना चाहता था, किसी भी तरीके से वो चाहता था कि युद्ध न लड़े, है ना। तो भगवान उसी को यही बताते हैं चैप्टर नंबर टू में कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम इनको नहीं मारोगे, जो तुम सोच रहे हो कि तुम नहीं युद्ध करोगे, नहीं अगर लड़ाई करोगे तो ये जीवित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और भगवान कहते हैं कि तुम इनको शरीर समझ रहे हो, ये आत्मा है, आप आत्मा को कभी नहीं मार सकते। हाँ, शरीर का वध हो सकता है, तो जब भी अधर्म पड़ता है, जब भी लोग अधर्म के पथ पर होते हैं तो उनको मारना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई अधर्म के पथ पर है उनको मारना गलत बात नहीं है, है ना। तो उनके शरीर का वध होता है, आत्मा का नहीं, आत्मा तो वैसे ही रहती है। फिर भगवान बताते हैं कि तुम अपने जो भी काम करो, कर्मयोग में हमने पढ़ा कि जो भी काम करो मुझको अर्पण करके काम करो, जो भी काम करो वो सारी चीजें मुझे याद करके काम करो, तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। तीन तरह के कर्म भगवान बताएं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, एज वेल एज कृष्ण भावनामृत कर्म। अच्छे कर्म से भी आप स्वर्ग को जाते हो, वापस धरती पर आते हो, बुरे कर्म से आप नरक लोक को जाते हो, वापस धरती पर आते हो, मतलब कि जन्म मरण दोनों में है। तो फिर हमें कैसा कर्म करना चाहिए? भगवत कर्म करना चाहिए, हरे कृष्ण कर्म करना चाहिए, हमें प्रभु को याद करके काम करना चाहिए। अगर हम भगवान को याद करके काम करते हैं, भगवान को स्मरण रखते हम कोई भी काम करते हैं, तो वो काम हमेशा हमारा कोई भी बंधन क्रिएट नहीं करता। या दूसरा चीज प्रभु पता है, जो भी काम करो वो चीज बिना फल के इच्छा के, बिना रिजल्ट ओरिएंटेड, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना, एफर्ट ओरिएंटेड होना है, कंसेंट्रेशन रखना है अपने जो भी आप काम कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। जैसे कि मैंने आपको बताया था योग क्या होता है, योग यानी भगवान से जुड़ना। और अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो हम इस ज्ञान योग में पढ़ेंगे हम किस तरीके से ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। अभी ज्ञान क्या होता है, ज्ञान यानी जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या हो रहा है, हमको ज्ञान हो रहा है, भगवान के बारे में ज्ञान हो रहा है, उनकी लीलाओं के बारे में ज्ञान हो रहा है, उनके वचन के बारे में ज्ञान हो रहा है, प्रभु क्या कहना चाहते हैं हम सबसे, ये सारी चीजों के बारे में हमें ज्ञान हो रहा है। हम कौन है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या हम सिर्फ और सिर्फ खाने पीने सोने के लिए आए हैं या कोई और काम है हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें एक एक डिटेल जानकारी, हमें जीना कैसे चाहिए, किस प्रकार से हम, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप खरीदते हो, कार वगैरह खरीदते हो, तो उसके लिए एक मैनुअल मिलता है कि आपको इस तरीके से इस कार को ड्राइव करना है, इस तरीके से इसको सब कुछ करना है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ आपको मिली है तो लाइफ को भी चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे रूल बुक भगवान ने बनाया होगा, और रूल बुक क्या है, भगवद गीता, जहाँ पे भगवान बताते हैं कैसे हमको जीना चाहिए, कैसे हमको अपने काम करने चाहिए, है ना। इस सब का ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका, वो आध्यात्मिक ज्ञान का यूज करके किस प्रकार से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, आज इस चैप्टर में हम यही करने वाले हैं। श्लोक नंबर चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 1, पहला क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच इवम विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् मम वयम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे अब्रवी। यहाँ पे क्या भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या को उपदेश, जो अमर इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान कृष्ण अभी चैप्टर नंबर 4 में कहेंगे कि ये जो
ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने पहले ही सूर्यदेव, बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, सूर्यदेव जिनका नाम विवस्वान है, सूर्यदेव जिनका नाम विवस्वान है, उनको पहले दे दिया था। और विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता है, यानी हम सबको जन्म देने वाले कौन है, मनु एंड शत्रुपा, तो मनु को सूर्यदेव ने ज्ञान दिया था जो भगवान ने सूर्यदेव को दिया। और वही ज्ञान मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, उसके पुत्र कौन थे, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, और इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। तो इक्ष्वाकु जिनके पुत्र थे, जिनके मनु के, इसका उपदेश उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। और इस तरीके से इक्ष्वाकु से फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस तरीके से उन्होंने ज्ञान देते रहे। लेकिन एक समय, भगवान अभी देखेंगे हम आगे कहेंगे कि एक समय आके वो ज्ञान विलुप्त हो गया। फिर भगवान क्या करते हैं, मीन्स यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने मनु को ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, इतना यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ते मीमम राजश्री विदुः सकाले रेह महता योगे नष्ट नष्ट परंतपा। भगवान कहते हैं इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में विलुप्त हो गया लगता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अब गुरु परंपरा द्वारा ये सारे ज्ञान को लिया जाने लगा। जैसे यहाँ पे सूर्यदेव के गुरु कौन बने, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और फिर सूर्यदेव किसके गुरु बने, सूर्यदेव ने किसको दिया, मनु को, यानी मनु के गुरु कौन, सूर्यदेव। मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के गुरु कौन, मनु। तो इस तरीके से इक्ष्वाकु भी किसी को दिए होंगे, वो किसी के गुरु बने होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान आगे चलता रहा, लेकिन कुछ काल के बाद यह ज्ञान विलुप्त हो गया, यह ज्ञान रहा नहीं किसी के पास, है ना। तो जब विलुप्त हो गया तो फिर लोग इस ज्ञान को भूल गए। भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि परंपरा से, गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन कुछ किंतु कालक्रम में यह जाके आगे आने वाले कुछ टाइम में यह ज्ञान जो है विलुप्त हो गया। इसलिए ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गया जो भी भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को बताया था। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ सबके अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वही ज्ञान जो कि विलुप्त हो गया था, वही ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव को सबसे पहले दिया था, वही ज्ञान आज मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन। क्यों, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। इसलिए तुम और तुम इस दिव्य ज्ञान को, यानी जो चीज मैं तुमको बता रहा हूं, दिव्य ज्ञान को समझो और उसको आत्मसात करो, और तुम इस कैपेबल हो, तुम इस काबिल हो जो तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान किसको दिया, सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने किसको दिया, मनु को, मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चला रहा था, आगे जाके विलुप्त हो गया। अब वही ज्ञान हे अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूँ, और तुम इतने कैपेबल हो, इतने सामर्थ हो कि तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो और अच्छी तरीके से आत्मसात कर सकते हो, मतलब इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे गुरु परंपरा के बारे में। भगवान कृष्ण, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि भगवान कृष्ण से ही सभी लोग ज्ञान लेते हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने चार लोग को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, और चार कुमार, चार सनत कुमार, चार कुमार यानी सनत सनत सनातन सनत कुमार, है ना, ये चार कुमार थे। तो चार लोग को कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, और चार कुमारों को। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी जिसके गुरु बने, और आगे उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान हमको आज मिल रहा है ना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई ब्रह्मा जी से, आखिरी में माधवाचार्य ने इनको पाया, माधवाचार्य, है ना, इसको गौड़ वैष्णव परंपरा भी कहते हैं, और इस्कॉन इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, गौड़ वैष्णव परंपरा, मतलब कि हम लोगों को ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा मिला है और ब्रह्मा जी को ज्ञान कृष्ण जी द्वारा मिला है ना। हमेशा हमको जो भी हम भगवद गीता पढ़े या हम भगवान के बारे में जाने या कहीं से भी हम जुड़े या गुरु भी बनाए, अगर गुरु भी बनाते हैं तो इन्हीं चार परंपराओं से बनाना चाहिए। ये चार परंपरा हम अभी आपको बताते हैं। पहली परंपरा, अगर ब्रह्मा जी से आगे हम सबने ज्ञान लिया, तो ब्रह्मा जी से जो भी ज्ञान लिया अंत समय में माधवाचार्य जिन्होंने हम सबको यही सारी ज्ञान दी, तो ये जो परंपरा है ये क्या है, वैष्णव गौड़ परंपरा। दूसरा, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी से आगे ज्ञान जहां जहां चला उसको कहते हैं रामानुजाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, है ना।
तीसरी परंपरा आती है भगवान शिव से, शिव जी से मतलब कि कृष्ण जी ने शिव जी को दिया, शिव जी ने आगे गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान दिया, और अंत में विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी इसके आखिरी मीन्स उनको मिला ज्ञान और उनके उनसे हम सबको मिल रहा है। तो विष्णु स्वामी परंपरा ये एक तीसरी परंपरा है, और चौथी परंपरा भगवान कृष्ण से इन चार कुमारों को जो है इस परंपरा का ज्ञान मिला, मीन्स एक ज्ञान मिला भगवान कृष्ण के द्वारा, और सनत कुमार मतलब कि जो चार कुमार हैं इनके द्वारा फिर आखिरी में निम्बार्क चार ने ज्ञान प्राप्त किया। तो इस परंपरा से जुड़ने वालों को निम्बार्क चार परंपरा से जुड़ा हुआ कहा जाता है। तो चार तरह के परंपरा होते हैं, माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्क चार्य परंपरा। माधवाचार्य यानी गौड़ वैष्णव परंपरा भी हम कहते हैं, जिससे इस्कॉन जुड़ा हुआ है, हम सभी लोग माधवाचार्य परंपरा या गौड़ वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा मिला है। जो लोग रामानुजाचार्य परंपरा से होते हैं उनको ज्ञान लक्ष्मी जी द्वारा मिला होता है, जो लोग विष्णु स्वामी परंपरा से होते हैं उनको ज्ञान शिव जी द्वारा मिला होता है, और जो लोग निम्बार्कचार्य परंपरा से होते हैं उनको ज्ञान आपको चार कुमारों से मिला होता है। तो भगवान कृष्ण ने चार लोगों को विद्या दी, तो यहाँ से उन्होंने चार संप्रदाय या चार आप कह सकते हैं परंपराएं स्थापित की, और इन चार परंपराओं से ही हमको गुरु बनाना चाहिए, इसके अलावा और कोई गुरु बनाना नहीं चाहिए। अगर हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं तो जो इन चार परंपराओं से बिलोंग करता है वो उसी से हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट होता है ना। तो हमें इन चार परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए, माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्कचार्य परंपरा, चार परंपरा। तो भगवान कृष्ण से आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद अन्य गुरु आते हुए, और अंत में श्रीला प्रभुपाद, इनके द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है। इस्कॉन में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, और इनके द्वारा हम उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ पाते हैं, है ना। जो भगवान ने श्लोक बताए हैं उनके जो तात्पर्य है वो उन्होंने अच्छे तरीके से लिखे हैं, जिसके बारे में हम जान पाते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के वचन के बारे में जान पाते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं हम सबको, ये सारी चीजें हम जान पाते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें हम यहाँ पे जान पाते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अकॉर्डिंग, है ना। तो यही है गुरु शिष्य परंपरा, भगवान से हम तक पहुंच रही है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अन्य अपने शिष्य को दिया, तो ऐसे चलते चलते फिर आखिरी प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी ने किताब लिखी और हम सबको प्रदान किया। तो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अगर हम लेते हैं तो प्योर ज्ञान होता है और सही ज्ञान होता है, सटीक ज्ञान होता है, और अगर इसके अलावा अगर हम कई ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान सटीक नहीं होता, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता। तो चार परंपरा, माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्क परंपरा, ये चार तरह के परंपरा से हमको जुड़ना चाहिए, और इस्कॉन माधवाचार्य परंपरा यानी गौर वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम अपनी परंपरा को देखते हैं, हमारी जो परंपरा है कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, अक्षोभया, जया तीर्थ, ज्ञानासिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्मा, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य, रूपा, रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तमा, विश्वनाथ, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौरी देश बाबा जी, है ना, और आखिरी में श्रील प्रभुपाद जी। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान से लेकर हम सबको यहाँ पे ज्ञान मिला है। हम लोग जो है लगभग 32 नंबर पे श्रील प्रभुपाद जी ने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद हम लोगों को ज्ञान उन्होंने किताब के माध्यम से दे रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान से लेकर कितने लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान पाया, और वो ज्ञान हमको आज मिल रहा है गौर वैष्णव परंपरा में। तो हम लोग जो है बिल्कुल एक प्योर और एक सटीक चीज हम पढ़ रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण से डायरेक्ट हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिली है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं युगों के बारे में। अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ठीक है, अभी कलयुग चल रहा है, जो कलयुग की उम्र है, कलयुग की एज है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं जो कलयुग की एज है 4,32,000 साल। कितनी है, 4,32,000 साल। अभी जो है लगभग 5,000 साल गुजरे हैं, 5,000 साल ही सिर्फ गुजरे हैं द्वापर युग को खत्म हुए, जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल अभी गुजरे हैं द्वापर को खत्म हुए हुए, और अभी कलयुग का 4,32,000 साल है। कलयुग चार चरण में होंगे, हर चरण का 1,08,000 साल
निश्चित है ना। और हर अभी तो पहला चरण स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 समथिंग ईयर गुजरे हैं, अभी तो लगभग 1 लाख साल बाकी पहले चरण का, फिर सेकंड चरण का, थर्ड चरण का, फोर्थ चरण का, 1,08,000। तो टोटल आप जो कलयुग का ईयर है, कलयुग का टोटल एज है 4,32,000 साल। द्वापर युग का टोटल एज था 8,64,000 साल। त्रेता युग का था 1.296 मिलियन ईयर्स और सत्ययुग का था 1.728 मिलियन ईयर। यानी सबसे कम कलयुग का है 4,32,000 साल, लेकिन अभी 5,000 साल ही गुजरे, तो अभी बहुत साल कलयुग अभी रहेगा। तो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चार युगों को बोलते हैं दिव्य युग। क्या बोलते हैं इन चार युगों को? दिव्य युग बोलते हैं इन चार युगों को। क्या बोलते हैं? दिव्य युग। ठीक है, टोटल मिला के अगर हम देखें तो 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं चार युग के। ये दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक युग दिव्य युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब अगर ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे ही एक दिव्य युग होते हैं ना, ऐसे अगर 71 बार दिव्य युग आ जाए, 71 टाइम्स अगर दिव्य युग आ जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर 71 बार यानी 71 बार अगर ऐसे दिव्य युग आ जाए, तो उसको कहते हैं वन मन्वंतर। क्या कहते हैं? एक मन्वंतर। ऐसे एक मन्वंतर इसको कहते हैं। ठीक है, एक मन्वंतर यानी 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 बार जब आते हैं तो एक मन्वंतर कहलाता है। ठीक है, उसके साथ अगर हम 14 मन्वंतर लेते हैं, टोटल 14 मन्वंतर, तो एक कल्प कहलाता है। 14 मन्वंतर यानी एक मन्वंतर में 71 बार दिव्युग। ऐसे ही अगर 14 मन्वंतर अगर हम ले, तो 14 मन्वंतर में एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जैसे हमारा एक दिन 12 घंटे का होता है, वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन जो है आपका एक कल्प होता है। एक कल्प यानी 14 मन्वंतर। 14 मन्वंतर यानी एक मन्वंतर में 71 दिव्युग। ठीक है, और 14 मन्वंतर में 14 × 71 आप समझ लीजिए, वो एक कल्प हो गया। ठीक है, तो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है ना। और ऐसे ही अगर हम 36,000 कल्प करें, 36,000 कल्प, 36,000 कल्प, तो ब्रह्मा जी का पूरा उम्र होता है 36,000 कल्प। एक कल्प में 14 मन्वंतर, ऐसे 36,000 कल्प अगर हम कर लें तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, और उतना ही नंबर ऑफ रात भी होती है ब्रह्मा जी की। तो टोटल ब्रह्मा जी का जो उम्र होता है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है ना। तो यहाँ पे जो है अगर हम ब्रह्मा जी के दिन की बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी की उम्र की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले तो समझिए, तो दिव्य युग क्या होते हैं? चार आपके युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 71 दिव्युग मिलेंगे तो एक मन्वंतर बनेंगे है ना, और ऐसे 14 मन्वंतर्स बनेंगे तो एक कल्प बनेगा। ठीक है, और अभी आप समझिए कि 7 मन्वंतर गुजर चुके हैं, ये 7वां मन्वंतर चल रहा है ना। 7वां मन्वंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28वीं बार कलयुग चल रहा है ना। भगवान कृष्ण 28वें द्वापर युग में आए थे, मतलब ये अभी से 5,000 साल पहले 28वें के द्वापर युग में आए थे। श्री राम 26 मन्वंतर के त्रेता युग में आए थे, मतलब कि जब 26वां बार त्रेता युग आया था उस समय आए थे, अभी के त्रेता युग में नहीं आए थे। वो 26वें बार जब त्रेता युग आया था तब श्री राम जी आए थे, है ना। तो अभी 71 बार, अभी तो हम लोग जो 7वें मन्वंतर में है ना, 7वें मन्वंतर का नाम है व्यवस्थ मनु मन्वंतर। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें क्लियरली सारी चीजें मेंशन है ना। तो वहां पे 7वें मन्वंतर का जो नाम है व्यवस्थ मनु मन्वंतर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमने आपको बताई कि जो किस तरीके से मन्वंतर से हम सारी चीजें देख सकते हैं। और जब 14 मन्वंतर हो जाते हैं, जब 14 मन्वंतर हो जाते हैं, तो 14 मन्वंतर का एक कल्प होता है, एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। तो अभी 7 मन्वंतर गुजर चुके हैं, तो मतलब ब्रह्मा जी का आधा उम्र पूरा हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ और आधा उम्र और बाकी है। तो अभी आने वाला 8वां मन्वंतर, 9वां मन्वंतर, 10वां मन्वंतर, लगभग लगभग 14 मन्वंतर तक जाएगा। ठीक है, आने वाला जो मन्वंतर है उसका नाम है सावर्णी मन्वंतर। वो सारी चीजें आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं, सारी चीजें वहां पे डिटेल से दी गई है। बस आपको यहाँ पे ये समझाना है, दिव्य युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 दिव्य युग में एक मन्वंतर होता है, टोटल 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मन्वंतर का एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का भी आधा उम्र गुजर चुका है, आधा उम्र बचा हुआ है, 7 मन्वंतर, अभी 7वां मन्वंतर चल रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का जीवन 1,155.52 ट्रिलियन ईयर्स। ठीक है, ब्रह्मा जी को 50 साल हो चुके हैं, मन्वंतर इतने मन्वंतर खत्म हो चुके हैं है ना। चार युगों के 27 चक्र, 27वां, ये 28वां चल रहा है, 27 चक्र खत्म हो चुके हैं, 28वां कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इतना
कलयुग में समय लगभग 5117, जैसे मैंने बोला 5117 वर्ष बीत चुका है। तो इस ब्रह्मा जी का जीवन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। मनु का जीवन, जो सबसे पहले तो याद रखें कि गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया था। कृष्ण भगवान ने कितने साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था? तो भगवान कृष्ण ने आज से लगभग 1200 लाख साल पहले, 1200 लाख साल पहले भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव यानी विवस्वान को ज्ञान दिया था। फिर विवस्वान से मनु में आया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बाद आगे जो ज्ञान चलता रहा, लेकिन वो ज्ञान विलुप्त हो गया। फिर अंत में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, क्योंकि वो अर्जुन जो है भगवान के प्रिय मित्र हैं, एज वेल एज बहुत बड़े भक्त भी है, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ज्ञान दिया। मतलब कि मनु से पहले, मनु के जन्म से पहले ही गीता भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देवता को सुना दिया था। तो मतलब कि मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तभी इस गीता को भगवान ने सुनाया था। तो मनुष्य के अस्तित्व से पहले लगभग 1200 लाख साल पहले यह ज्ञान भगवान ने विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया। ठीक है, गीता धरती पर आई। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वानु ने मनु तक पहुंचाया। मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघु वंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया। और पृथ्वी पर कब आई? 1200 लाख साल पहले तो भगवान ने सूर्यदेव को बताया, 1200 लाख साल पहले तो भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को बताया। इस पृथ्वी पर कब भगवद गीता आई? इस पृथ्वी पर भगवद गीता 20 लाख वर्ष पहले आई, 20 साल लाख साल पहले, जब मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था ज्ञान, तो लगभग 20 लाख साल पहले यह गीता पृथ्वी पर आई थी। तो दो चीज याद रखिएगा, भगवान ने सूर्यदेव को कब ज्ञान दिया था? 1200 लाख साल पहले। धरती पर कब आई गीता का ज्ञान? मनु के रूप में 20 लाख साल पहले। ब्रह्मा का एक दिन इतना होता है, ब्रह्मा का एक घंटा इतना होता है, ब्रह्मा का एक मिनट इतना होता है, ब्रह्मा का एक सेकंड 1 लाख साल के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप समझिए कि अगर हम 1 सेकंड मानते हैं ना, 1 सेकंड, अब देखिए कितना कितना समय होता है। एक कृति यानी सेकंड का 34,000वां भाग, अगर 1 सेकंड का हम 34,000वां भाग करते हैं, 1/34,000 ऑफ 1 सेकंड, तो एक कृति होती है। फिर एक कृति क्या होती है? 1 सेकंड का 100/300वां भाग, 1/300 ऑफ 1 सेकंड। दो तृति यानी एक लव, दो लव एक क्षण, 30 क्षण एक विपल, 6 विपल एक पल, 6 पल एक घड़ी यानी 24 मिनट, 2.5 घड़ी एक होड़ा, 24 होड़ा एक दिवस, 7 दिवस एक सप्ताह, 4 सप्ताह एक मास, 2 मास एक ऋतु, 6 ऋतु एक वर्ष, 100 वर्ष एक शताब्दी, 10 शताब्दी एक सहस्र शताब्दी, 432 सहस्र शताब्दी एक युग, 2 युग द्वापर युग, 3 युग त्रेता युग, 4था युग कृता युग यानी सत्ययुग। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से समय कैलकुलेट होता था पहले। फिर उसके बाद अर्जुन का ये सवाल आता है कि हे कृष्ण भगवान, आप द्वापर युग में जन्म लिए ना, आप तो द्वापर युग में आए हैं। आप कह रहे हैं 1200 लाख साल पहले मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। भाई आप तो द्वापर युग में आए हैं, 1200 लाख साल पहले कैसे ज्ञान दे सकते हैं? मतलब कि अर्जुन को यहाँ पे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है। यहाँ पे अर्जुन को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है ना। अगर अर्जुन को ज्ञान नहीं, तभी उसने ऐसा प्रश्न पूछा कि आप मेरे समकालीन है, मैंने इस युग में जन्म लिया है, आपने भी जन्म लिया है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मैं कैसे मानूं कि आपने आपने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिया था 1200 लाख साल पहले? क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आपने तो मेरे साथ जन्म लिया है द्वापर युग में, 1200 लाख साल पहले आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं सूर्यदेव को? तो सर भगवान क्या कहते हैं 4.6 में, यानी चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 6, बहुत बेहतर, बहुत अब इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, एंड इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं, अजो अपि सन्वयात्मा भूतानामी सरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवाम्या आत्ममायया। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन,
तुम्हें लगता है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूं? ऐसा कुछ नहीं। जब तुम्हारे और मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारे और मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें मेरे वो जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं कभी जन्म नहीं लेता, न मेरी मृत्यु होती है, मैं प्रकट होता हूं अपने इच्छा से और अपनी इच्छा से अप्रकट होता हूं, मैं प्रकट हुआ और अप्रकट हुआ, मैं हमेशा अप्रकट होता हूं। भगवान यहाँ पे कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी अगर मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, मैं इच्छा कर लूंगा कि बड़े बड़े राक्षस तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी लीला करने आता हूँ, मैं अपने दिव्य रूप को प्रकट करता हूँ मैं अपनी इच्छा से, मैं अजन्मा हूं, ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है, भगवान ऐसा कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कब प्रकट होते हैं? फिर भगवान कहते हैं हे भरतवंशी, भरतवंशी यानी अर्जुन को, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, धर्म और उसके बाद पाप पूरी तरीके से धरती पर फैल जाता है, तो मैं अधर्मियों का विनाश करने के लिए जन्म लेता हूँ और मैं तब तब अवतार लेता हूँ जब जब अधर्म पूरी तरीके से धरती पर बढ़ जाता है। भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता इस धरती पर, भगवान के नाम लेने पर लोगों की हत्या कर दी जाती है, वहां पे स्त्रियों की लाज का रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता, तब मैं अपने दिव्य रूप को रचता हूँ, तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम यानी अपने साधु पुरुष की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम दुष्ट पुरुष का नाश करने के लिए, अधर्मियों का समूल विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपने दिव्य रूप को प्रकट करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, जब जब भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, स्त्रियों की लाज की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ, अपने दिव्य स्वरूप को रचता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट व्यक्तियों का समूल विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, मैं बारम्बार अपने दिव्य रूप को हर युग में रचता रहता हूँ, हर युग में मैं प्रकट होते रहता हूँ। भगवान यहाँ पे कहते हैं, ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है कि प्रभु आप तो अभी जन्म लिए हैं, आप तो मेरे साथ हैं, फिर आपने 1200 वर्ष पहले विवस्वान को कैसे ज्ञान दे दिया था? भगवान ने कहा कि मेरा दिव्य स्वरूप है, मैं हमेशा प्रकट होता हूँ जब मेरी इच्छा होती है, जब अधर्म आता है तब मैं प्रकट होता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं बारम्बार जन्म लेते रहता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद कृष्ण यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, जिसका उत्तर श्लोक नंबर 9 में है, क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो मेरे दिव्य कर्म को जानता है, जो जानता है कि मैं कभी जन्म नहीं लेता, मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ और फिर अप्रकट हो जाता हूँ, जो जो जानता है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, जो इस सारी चीजों को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद अंत में मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, और ये वो बारम्बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, और जो जन्म मरण लगा रहता है उस चीज से मुक्त हो जाएगा और मेरे परम धाम गोलोक धाम में वास करेगा, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न आता है कि कृष्ण भगवान और हमारे बीच क्या अंतर है? कृष्ण भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है, हमारी जो भगवान कृष्ण हमेशा 25 वर्ष के लगते हैं, भगवान कृष्ण हमेशा आपको 25 वर्ष के लगेंगे, लेकिन हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे युवा होते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो हमारी स्वरूप अस्थाई है, हम बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो 25 वर्ष का ही रहता है। फिर दूसरा क्या है, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रण, हम जो है माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, माया जैसा हमको काम कराती है वैसा हम काम करते हैं, और भगवान कृष्ण माया के जनक है, उन्होंने ही माया को जन्म दिया है, तो ये दो अंतर है भगवान कृष्ण हमारे बीच। ठीक है, एक और अंतर है, भगवान कृष्ण की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, जबकि हमारा शरीर और आत्मा अलग है, हमारे शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर आत्मा एक ही है,
है ना, उनके शरीर आत्मा का कोई फर्क नहीं, उन्हीं के अंश, उन्हीं के शरीर से एक छोटे से अंश हम आत्मा के रूप में इस शरीर में वास कर रहे हैं, और हमारा साइज क्या है, 1/10000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे सूरज आसमान में चमकता है ना, अगर नीचे हम बाल्टी रख दें पानी से भरी, तो उसका प्रतिबिंब हमें बाल्टियों में दिखता है, पानी में दिखता है, लेकिन क्या वो सूरज है क्या? पानी नहीं है ना। उसी प्रकार से हम भगवान के थोड़े से अंश हैं, हम भगवान नहीं, हम भगवान के छोटे से अंश हैं, लेकिन भगवान के आत्मा शरीर में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, लेकिन हमारा हम जो हम छोटे से अंश है भगवान के, तो हम इस मानव तन में जो कि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बनी है, इसमें वास कर रहे हैं, इसके दिल में रह रहे हैं, है ना। तो जब तक इस शरीर में रहते हैं तो शरीर काम करता है, उसके बाद शरीर काम नहीं करता, क्योंकि हमें भौतिक जगत से काम करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर जीवात्मा में है, भगवान के अंश है, तो हमारा शरीर बहुत छोटा है। अगर हमें इस संसार में काम करना, तो इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस संसार में काम करने के लिए एक स्थूल शरीर हम लेते हैं, वो आगे हम आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाएंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या क्या होता है। तो जहाँ पे हम एक स्थूल शरीर होते हैं, जहाँ पे हम भौतिक जगत में काम कर पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं, और जब ये शरीर छूटता है, तो हमारा जो छोटा सा शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, है ना, वो हमारे दिल से निकल जाता है, और वो दूसरे शरीर के तलाश में रहता है, दूसरा शरीर मिलता है तो वहां पे वो धारण कर लेता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा शरीर बदलती है जब भी उसको लगता है कि शरीर अब काम कर नहीं रहा, या उसका समय आ चुका होता है शरीर परिवर्तन का। फिर आगे श्लोक नंबर 11 में क्या है, ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हे अर्जुन, जो जो जिस भाव के साथ, जिस उनकी फीलिंग रहती, जो भाव के साथ, जिस फीलिंग के साथ मुझे भजता है, मुझे मेरी पूजा करता है, अगर कोई मुझे अपना बेटा मानता है, पुत्र मानता है, अगर कोई मुझे अपना भाई मानता है, अगर कोई मुझे अपना दोस्त यानी सखा मानता है, कोई मुझे अपना स्वामी मानता है, कोई मुझे अपना प्रेमी मानता है, कोई मुझे अपना पति मानता है, इस रूप से अगर कोई मेरी भक्ति करता है, जिस रूप में भक्ति करता है, उस रूप को मैं उसको प्राप्त होता हूँ। अगर कोई मुझे दोस्त मानता है तो मैं उसके दोस्त रूप से प्राप्त होता हूँ। अगर कोई मुझे प्रेमी मानता है तो उसको मैं प्रेमी रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे अगर अपना भाई मानता है तो भाई के रूप में मैं उसको प्राप्त होता हूँ, है ना। जिस रूप में भगवान को चाहे, भगवान उस रूप में हमको प्राप्त होते हैं। तो बस ये है कि हमें भगवान को किसी ना किसी तरीके से रिलेशन बनाना है भगवान से, कि भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरे पुत्र है। अगर ऐसा बनाते हैं तो भगवान उसी रूप में हमको भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से, चाहे मुझे किसी भी प्रकार से अपना बेटा माने, अपना भाई माने, अपना सखा माने, अपना प्रेमी माने, हर प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं, मेरे ही रास्ते पे चलते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के अभिन्न विभिन्न अंश हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्णः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अगर कोई कामना करता है, मान लीजिए किसी को बेटा नहीं होना, पुत्र चाहिए, है ना, किसी को शक्ति चाहिए, तो माँ काली की पूजा करता है। अलग अलग तरह की अगर किसी को इच्छा होती तो उस प्रकार से विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। किसी को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी का लोग व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के इच्छाओं के लिए अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं, भगवान तो कृष्ण है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः, भगवान कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। उसके अलावा जितने हैं सभी भगवान कृष्ण के ही अंश स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, मीन्स उन्हीं से प्रकट हुए देवता लोग। और जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के जितने भी मंत्रीगण होते हैं, तो मंत्रीगण तो प्राइम मिनिस्टर होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होते हैं, वैसे भगवान भी एक ही है, और बाकी सब देवी देवता है। भगवान ने अपने काम को करवाने के लिए
देवी देवताओं को प्रकट किया है और देवी देवताओं के पास कुछ शक्ति रखी है कि हाँ तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। और अगर कोई इंसान अगर उन देवताओं की पूजा करता है तो उनको वो इच्छित फल देते हैं और वो शीघ्र देते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ अगर सकाम कर्म आप करते हो, किसी फल की इच्छा से अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उसका फल जल्दी मिल जाता है। लेकिन अब अगर आप भगवत धाम के लिए अगर आप पूजा करते हो, मेरी पूजा करते हो अगर भगवत धाम के लिए, तो उसका फल थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। आप मेरे नाम लेते रहिए, मेरी पूजा करते रहिए, मुझे प्रसाद अर्पण करते रहिए, मेरी भक्ति करते रहिए, मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते रहिए, मेरी कथाओं का गान आप भक्तों में करते रहिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको 150 फल मिल ही जाएगा और मिलेगा ही, इस शरीर के छोड़ने के बाद आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए, संसार में रहते हुए फल चाहिए, तो आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो तो उस तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन वो फल क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। लेकिन जो मैं फल देता हूँ, भगवान कहते हैं जो मैं फल देता हूँ वो परमानेंट होता है। जो देवी देवताओं लोग देते हैं वे लोग वे चीजें टेम्पररी होती है। तो टेम्पररी और परमानेंट का यहाँ पे भगवान ने बताया। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 13 में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यधया कर्तारम अव्ययम्। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यदि भी मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान ने कहा है कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें उनसे संबंध कर्मों के अनुसार, मतलब कि अलग अलग कर्म के अनुसार, हर इंसान का अलग अलग काम होता है, हर इंसान का अलग अलग कर्म होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर इंसान जो है तीन गुणों से बंधा होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इन गुणों के हिसाब से और जो भी इंसान जो भी काम करता है, जिसको जो भी काम करने में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से भगवान ने चार वर्ण बनाए थे। पहला ब्राह्मण, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान देता है, जिसको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति करनी अच्छी लगती है, जो पूजा पाठ करवाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा होता है क्षत्रिय, यानी जो युद्ध लड़ने में लड़ाई लड़ने में थोड़ा माहिर होता है ना, जो लड़ाई लड़ने में थोड़ा अच्छा होता है वो क्षत्रिय वर्ण में आता है। तीसरा वैश्य, जो भी व्यापार करता है, गोपालन करता है, यहाँ पे आप किसानी किसानी भी आ गई, तो मतलब कि सारी चीजें जो भी आती हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं, आपके वैश्य शूद्र, यानी जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, है ना, तो सारे जो भी जैसे मजदूर हो गए, जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, तो ये सब शूद्र में आ गए। तो चार प्रकार के वर्ण यहाँ पे बनाए गए थे भगवान के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन हम सब सोचते हैं कि भगवान ने जातियां बनाई, जातियां नहीं बनाई, वर्ण बनाई। वर्ण यानी अगर जिसको जो काम में इंटरेस्ट है वो काम करे। अगर मान लीजिए शूद्र व्यक्ति अगर भगवान के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण वर्ण में आता है, वो शूद्र नहीं रह जाता। यहाँ पे कर्म के अनुसार चार पंथ बांटे गए थे, कर्म के अनुसार जो है चार वर्ण बांटे गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर कोई शूद्र है, अगर उसको लड़ाई लड़ना पसंद है, अगर वो अच्छा लड़ाई लड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक क्षत्रिय ही कहलाएगा और क्षत्रिय वर्ण में आएगा। तो कर्म के अनुसार भगवान ने सारी चीजें बनाई थी, लेकिन अब जो है नाम के अनुसार जातियां बनाई जा रही है। तो नाम के अनुसार कभी भी जातियां नहीं रही हमारे सनातन धर्म में, कर्म के अनुसार रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर किसी को पैसा कमाना है, किसी को व्यापार करना है, तो वैश्य में आता था, है ना। अगर वही अगर वैश्य ही अगर मान लीजिए कि भगवान की पूजा करता है, पूजा पाठ करवाता है, तो वो ब्राह्मण में आएगा। उतना अगर नॉलेज है, उतना सारी चीजें पालन करता है, तो ब्राह्मण में आएगा। और अगर ब्राह्मण होके भी अगर वो पूजा पाठ ढंग से नहीं करता तो ब्राह्मण में नहीं आएगा, है ना, तो ब्राह्मण में नहीं कहलाएगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्मों पर होता था, ये जातियों पे नहीं होता था। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म निर्भिर्नः सबध्यते। भगवान कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पात्र नहीं बनता। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी कर्म में बंधता नहीं, मैं कोई कर्म मुझे कोई कर्म का फल लगता नहीं। जैसे अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें पुण्य मिलता है, बुरे कर्म करें तो पाप होता है। तो भगवान कहते हैं मैं मुझे कोई कर्म नहीं बांधता। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। अगर वो किसी का हत्या भी कर दे तो अगर राष्ट्रपति के पद पर है तो उसको कोई कानून उस पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं तो मुझ पे कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ही सभी कर्म को बनाया है, मैंने ही सभी चीजों को बनाया है ना। तो मैं कर्म फल की कोई कामना भी नहीं करता, क्योंकि मुझे सभी चीज प्राप्त है, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, है ना। तो मुझे किसी भी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता।
और भगवान कहते हैं जो इस चीज को जानता है कि मैं कर्मों से ऊपर हूं, मैं कर्मों के बंधन से ऊपर हूं, मैं कर्मों के फल से ऊपर हूं, जो ये चीज को जानता है वह कभी भी अपने कर्मों के फलों में नहीं बंधता और अंत समय में मुझको प्राप्त करता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि में से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि पहले तुमसे पहले अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमसे पहले जितने भी मुक्त आत्माएं हैं उन्होंने इसी दिव्य प्रकृति को जान के, मेरे बारे में जान के कर्म किया, अर्थात तुम भी, तुम्हें ये चाहिए कि मेरे पथ का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान आप कहना चाह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका मन पूरी तरीके से दूषित होता है वे भगवान की भक्ति कर करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, और दूसरे जिनका मन पहले से शुद्ध है तो भगवान की भक्ति करके अपने मन को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें और कोशिश करें कि भगवान ने जो पथ दिखाया, जो रास्ता दिखाया, उसका हम अनुसरण या पालन कर सके और अपनी ड्यूटी को निभा सके। फिर यहाँ पे तीन तरह के कर्म बताए गए हैं, एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म और एक है अकर्म कर्म। यानी जैसे मान लीजिए कोई काम करता है सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है अपना फल के लिए कि हाँ इतना काम करेंगे, इतना दिन भर में हम पैसा कमा लेंगे, ये काम करेंगे हम इतना, मान लीजिए हम पढ़ाई करेंगे तो इतना परसेंटेज मिला जाएगा, जो रिजल्ट को ध्यान में रख के कोई काम करता है, हमारे कर्तव्यों कार्यों को करना वे महान या छोटे हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी काम करना, लेकिन हम उसका रिजल्ट की परवाह करते हैं, उसके फल की परवाह करते हैं, तो सकाम कर्म में आता है। दूसरा विकर्म, अगर कोई भी तरह के बुरे काम करते हैं वो किस में आता है, विकर्म में आता है। तीसरा अकर्म, अगर हम भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं वो क्या किस में आता है, अकर्म। तो तीन तरह के कर्म होते हैं, एक तरह का पहला आपका आता है सकाम कर्म, यानी अगर हम कोई भी काम करते हैं बिना भगवान को याद किए सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट को पाने के लिए, अपने फल को प्राप्त करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है, सकाम कर्म। अगर कोई तरह का बुरा काम करते हैं तो विकर्म, और भगवान की भक्ति के काम करते हैं, अगर भगवान को याद करके कोई काम करते हैं, अगर हम कोई काम कर भी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अगर भगवान को स्मरण रख के याद करके अगर हम को काम करते हैं तो वह काम क्या कहलाता है, भक्ति युक्त कर्म या अकर्म। तो तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म यानी बिना भगवान को याद के कोई काम करना, दूसरा विकर्म यानी बुरे काम करना, अकर्म यानी भगवान को याद करके काम करना। फिर भगवान क्या कहते हैं, कर्मणो हैपि बोधवयम्, बोधवयम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधवयम्, गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म यानी अपने ड्यूटी को निभाना, अपने काम को करना बिना, यहाँ पे अपने काम को करना और फल की इच्छा रख के काम करना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। दूसरी चीज विकर्म, बुरे काम करना। अकर्म यानी भगवान को याद में रख के काम करना। ये तीन कर्म होते हैं। फिर भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, कर्मणो है, ये तो बता दिया मैंने कि भाई अपने कर्म, अकर्म और विकर्म तीन तरह की चीजें हैं। फिर भगवान क्या करते हैं यहाँ पे, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्म फल की आसक्ति को भी त्याग दिए, अगर कर्म फल के रिजल्ट ओरिएंटेड आपका जो मोटिव है उसके जगह आप एफर्ट ओरिएंटेड या मोर एफिशियंट वर्क आप करने पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप सदैव संतुष्ट रहेंगे, सदा स्वतंत्र रहेंगे और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी अगर सभी काम करेंगे, हर तरह के काम आप करेंगे, लेकिन अगर उसके फल पे अगर आप निर्भर नहीं है, अगर आप अपने एफर्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो उस कर्म के बंधन में आप नहीं बंधोगे। जैसा भगवान ने पहले बताया है कि आप कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे, चाहे आप कितने भी अनेक काम करो लेकिन उसके फल पे आप डिपेंड मत हो, अपने एफर्ट को पूरा लगाओ, बाकी चीजें भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ दो, जो भी काम करो भगवान को याद करके काम करो, तो हम सभी कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, ऐसा भगवान यहां पे कहते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे याद में पूर्णता लीन रहता है, वो अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण, मतलब कि अगर वो मेरे भावना में पूर्णता लीन है, मुझे भोजन अर्पण करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है, मेरे बारे में भक्तों में बताता है, तो ऐसे भगवत कार्य करने वाले को हमेशा भगवत धाम की प्राप्ति होती है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इन विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को नियंत्रण में करके काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मन को कंट्रोल में नहीं रखते, कभी कभी क्या होता है इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखते। तो एक तो इंद्रियों के कंट्रोल में और मन को दोनों एक साथ कंट्रोल में रखते हैं, एक जो किसी एक चीज को अपने साथ कंट्रोल में रखते हैं जो गृहस्थ होते हैं ना, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक ब्रह्मचारी यानी कभी शादी नहीं करने वाले, पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अर्पण कर दिए अपने आप को, दूसरे लोग जो गृहस्थ होते हैं ना, तो दोनों लोग को चाहिए कि अपने इंद्रियों को अपने मन को कंट्रोल में रखे, लेकिन गृहस्थ को थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी वो माला जाप करके भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान की कथाओं को सुन के अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और ब्रह्मचारी है वो अपने मन को और आत्मा को अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करके रखते हैं ना। तो दो तरह के होते हैं, एक विशुद्ध ब्रह्मचारी एक नियमित गृहस्थी। आप देख सकते हैं एक ब्रह्मचारी किस तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और एक गृहस्थ, पूरा परिवार भगवान कृष्ण का भक्त है एक गृहस्थ होने के बावजूद, है ना। तो दोनों तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस श्लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग मेरी भक्ति करने के लिए अपना पैसा छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग जो है ज्ञान के द्वारा मुझको प्राप्त करने की कोशिश करते, तो अलग अलग जो है तरीका है मुझे प्राप्त करने का। और भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा, यानी इस कलयुग में यज्ञ है हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करना, हम पढ़ेंगे आगे कि सतयुग में यज्ञ था तप करना, त्रेता में यज्ञ था यज्ञ करना, द्वापर में यज्ञ था, द्वापर में क्या यज्ञ था भगवान कृष्ण मतलब कि मूर्ति विग्रह की पूजा करना, अभी भी हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन द्वापर से जब कलयुग में कन्वर्जन होता है तो लगभग शुरुआत के 10,000 साल वही चीज फॉलो होता है जो द्वापर में फॉलो होता था, उसके बाद वो चीजें बंद हो जाती है। तो जो मूर्ति पूजा है या हम अर्चा विग्रह की सेवा है वो हम द्वापर युग में करते थे, और कलयुग में सिर्फ एक ही है यज्ञ, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, माला जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह का माला जाप करना यही कलयुग में सबसे उत्तम यज्ञ है। फिर भगवान कहते हैं श्लोक में, हे परम तप, द्रव यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो मतलब कि भगवान कहते हैं द्रव यज्ञ यानी अगर आप पैसा खर्च करके कोई यज्ञ करते हो, उससे बढ़िया है कि आप ज्ञान अर्जित करो, मुझ तक पहुंचो, पैसे से मुझ तक पहुंचोगे कम फायदा है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप मुझ तक पहुंचो वो श्रेष्ठ है सबसे। फिर भगवान आगे कहते हैं 4.34 में, तद्दिति प्रतिपाटेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप अपने गुरु के पास जाइए। गुरु के कौन, गुरु कैसा होना चाहिए, चार परंपरा से, माधव चार परंपरा है ना, आपका जितने भी चार परंपरा हमने बताए है ना, निम्बार्क चार परंपरा है ना, विष्णु यश परंपरा, और चौथा परंपरा जो मैंने आपको बताया वो आपको रामानुजान परंपरा। तो ये चार परंपरा मैंने आपको बताई, ये चार परंपरा से ही व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, और गुरु के पास जाइए, उनसे विनती कीजिए, प्रभु मुझे बताइए भगवान कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता उनको, है ना। तो आप ऐसी इच्छा कीजिए, और जो व्यक्ति इस मतलब इस पोजिशन पे होंगे, इस पद पर होंगे, तो भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया हुआ है, ठीक है। फिर भगवान यहाँ क्या कहते हैं श्लोक नंबर 36 में,
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरीके से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मेरी भक्ति करते हो और तुम मेरी शरण लेने का फाइनली डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद कोई बुरा काम करने का तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा, तो जो भी तुमने पिछला बुरा काम किया है, जाने अनजाने में जो भी गलती की है, वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, बुरे कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे। अब तुम अगर मेरी भक्ति कर रहे हो तो मेरी भक्ति में ही लग जाओ, वही सबसे उत्तम है, और अब मेरी भक्ति करके तुम मुझ तक पहुंचो। फिर आगे भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति करके, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि पिछले जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी बुराइयां हैं, उन सारी चीजों को जला डालती है और तुम्हें एक निष्पाप इंसान बना देती है। लेकिन बशर्ते तुम्हें ये संकल्प लेना होगा अर्जुन कि अब तुम मेरे शरण में आए हो, अब कोई बुरा काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि तुम बुरा काम करते जाओ, मेरा नाम लेते जाओ, ये नहीं चलेगा। हाँ, जब अभी तक तुमने बुरा काम किया है या जो भी अजाने अनजाने में गलती की है, वो सारी गलतियां आपकी क्षमा है, वो माफ है। लेकिन अब से सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी शरण में आए हो तो मेरी भक्ति करो, बिना किसी तरह के विचार के सिर्फ मेरी भक्ति करते रहो, और कोई तरह का बुरा काम अब नहीं करना है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति से बुरे कर्म भी पूरी तरीके से भस्म हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान से में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु जो मेरी पूजा करता है, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, और जो ऐसे लोग हैं, वही जो मैं बता रहा हूँ दिव्य ज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं, और इसे प्राप्त करने के बाद उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 41 में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके द्वारा संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बांधता। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग कर चुका होता है और मेरी भक्ति करता है, तो और भगवदगीता पढ़ के, श्रीमद भागवतम पढ़ के उसके सारे डाउट क्लियर हो चुके होते हैं, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण है। और हे धनंजय, वो कभी भी अपने कामों के बंधन से कभी नहीं बांधता। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के योग है, और जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में कर चुका होता है, दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने सभी डाउट को मिटा चुका होता है, वो वास्तव में आत्मपरायण है और वो कभी भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, फिर भगवान क्या करते हैं आखिरी में, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र में काट डालो। हे भारत, तुम युग समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान आखिरी में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे हृदय में संशय उठ रहे हैं ना कि मैं युद्ध क्यों करूं, असमंजस है तुमको अज्ञान है, तो ये सारी चीजों को जो मैंने तुमको ज्ञान दे रहा हूं, उसको पूरी तरीके से काट डालो, अपने अंधकार को, जो तुम्हारे मन में अंधकार जमा हुआ है, उसको काट डालो और उस ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट डालो। हे भारत, अब तुम उठो और युद्ध करो। ये भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द इस चैप्टर के बारे में, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। तो दो तरह के यज्ञ के बारे में बताया गया, एक द्रव्य यज्ञ और एक कर्म यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है कि हम अगर मान लीजिए पैसा का उपयोग करके यज्ञ करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो ये वह द्रव्य यज्ञ सही नहीं है। लेकिन हम अगर आत्म साक्षात्कार के लिए अगर हम वो यज्ञ को करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ पूर्ण यज्ञ बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विशेष सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया,
जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। शिला प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि भगवान ने जो भी चीजें बताई उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भी चीजें भगवान ने बताई उन चीजों से हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहिए और प्रभु के भक्त बनना चाहिए, और जो नहीं करता वो निपट मूर्ख है। इतना सब कुछ समझाने पर भी जो नहीं समझता वो निपट मूर्ख है। अतः हमें भगवान के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और अपने अज्ञान को क्रमशः दूर करना चाहिए। ये चीज यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु, जी, एक बोलिए हैंड्रेस है तुषार जी। प्रभु जी, आपने हैंड्रेस किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया यदा यदा ही धर्मस्य, वो वाला जो श्लोक था उसमें ये कहा गया था कि जब भी धर्म की हानि होती है या फिर जो भी भगवान के जो भक्त होते हैं उन 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 उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर कोई भी करप्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो आजकल देखा जाए तो आजकल भी तो कितना करप्शन हो रहा है, हर चीज हो रही है, हर कोई एक दूसरे को मारने लग रहा है, हर कोई एक दूसरे को लूटने में लग रहा है, तो फिर 500 भगवान अब क्यों नहीं आए? साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते प्रभु। लेकिन फिर अब भी तो आना चाहिए था ना। देखिए, मैंने उस समय बताया था आपको जब मैं ये श्लोक पढ़ा रहा था कि यदा इस समय भगवान शक्ति अवतार के रूप में आते हैं, मीन्स इस समय दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, है ना। तो वो ऐसा समय होता है जब पृथ्वी पर कोई भी भगवान का नाम लेने वाला नहीं होता। पृथ्वी पर कोई भी भगवान का एक नाम लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट हो जाता है ना। तो ऐसा वातावरण हर युग के अंत में आता है। ये शक्ति अवतार है, भगवान का शक्ति अवतार, यानी जब भगवान आते हैं दुष्टों का नाश करने। कलयुग में भी आएगा भगवान, जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय कल की भगवान के रूप में भगवान अवतार नहीं। लेकिन अभी क्या है, अभी भगवान के नाम लेने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं। हाँ, कुछ गलत काम भी हो रहे हैं क्योंकि कलयुग है, कलयुग में ये सारी चीजें होती ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जहाँ पे 75% आपका पूरा का पूरा 75-80% पाप पूरा पसर जाता है, पूरे तरीके से पाप आ जाता है ना, जहाँ पे लोग स्वतः ही पाप करने लगते हैं। लेकिन इस पाप को शक्ति द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अगर भगवान यहाँ पे शक्ति के रूप में अवतार लेंगे, सभी का वध कर देंगे, तो इस पाप का नाश नहीं किया जा सकता। इस पाप का नाश सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था से 500 साल पहले, और उन्होंने बताई थी किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करके, किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम अपने अंदर के पाप को दूर कर सकते हैं। तो अगर हम ये संकल्प ले लें, भगवद गीता का पाठ करेंगे, श्रीमद भागवतम का पाठ करेंगे और नित्य प्रतिदिन कम से कम 16 माला जाप करेंगे, तो हमारे अंदर का पाप स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो हम सबके अंदर जो भी पाप है, ये जो जो भी चीजें गलत हो रही है, वो सब हमारे कारण हो रही है, हमारे डिसीजन के कारण। हमारी जो मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारी जो अंदर के जो पाप है, जो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, उनको हमें मिटाने की जरूरत है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। जब ये जाप करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त होते हैं, और अगर जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब भगवान का नाम लेने वाला कोई धरती पर नहीं बसता, तो उस समय भगवान का अवतार लेना ही पड़ता है। जैसे कलयुग में भी भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, जब चौथा चरण चल रहा होगा कलयुग का, तो आखिरी में कल्कि भगवान के रूप में आएंगे और सभी दुष्टों का नाश करके फिर कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। जी प्रभु, और मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ जी, कि मान वो थोड़ा भगवद गीता का भी है और उससे थोड़ा हटके भी है, ठीक है, चलेगा ना? हाँ हाँ पूछिए। हाँ, तो मान लीजिए कोई सामने वाला मुझे कुछ कहता है, मुझे कुछ गालियां देता है या फिर मेरे पर गुस्सा करता है, अब मैं तुरंत जैसे मैं रिएक्ट, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करनी, सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, एज आई नो कि आई एम अ सोल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर मुझे फर्क पड़ता है, तो बात सही है, देन व्हाट आई डू इन दैट बिल्कुल सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। कोई सामने वाला का गाली देगा तो फर्क पड़ता ही है। हाँ, तो मेरे लेकिन मुंह से भी निकल जाती है। देखिए, एक भक्त की क्वालिटी क्या होती है मालूम? एक भक्त की क्वालिटी होती है कि जो घास होता है ना, जैसे पृथ्वी पे जो घास उगता है उससे भी विनम्र होता है, जो पेड़ होता है उससे भी ज्यादा सहनशील होता है। पेड़ पे हम कितना भी पत्थर मारे, वो कभी पत्थर वापस मारता है क्या? नहीं, वो तो हमेशा फल देता है ना। तो एक भक्त की क्वालिटी होती है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो हमारी एक क्वालिटी होती है, कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी हमें गालियां दे, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो हम बरकरार रखेंगे ना। अगर हम दूसरे अगर हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो हम अपनी क्वालिटी तो नहीं चेंज कर सकते। अगर हमारी क्वालिटी है दूसरों की भलाई करना, अगर हमारी क्वालिटी हमेशा
अच्छे शब्द बोलना, अगर हमारी क्वालिटी है, हम हमेशा जो है दूसरों का भला करते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं बोलते, हमेशा भगवत नाम का हमारे जुबान पे हमारे हमेशा भगवान का नाम रहता है, तो वही हम करेंगे। चाहे कोई कितना भी पत्थर मारे, कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले, हम अपनी क्वालिटी तो नहीं चेंज कर सकते, तो हमें अपनी क्वालिटी में रहनी। जब दूसरा अपना क्वालिटी नहीं चेंज कर रहा है, जब दूसरा अगर उल्टा सीधा काम कर रहा है, वो अपना क्वालिटी नहीं चेंज कर रहा, तो हम उसके लिए क्यों अपना क्वालिटी चेंज करें। हमें एक सहनशील इतना बनना चाहिए कि भाई दूसरा कुछ भी करे, कहते रहे, हम अपना, हम अगर भगवान की भक्ति में हैं तो हम अपना इस चीज को मन सहनशील रहे कि वो सारी चीजों को देख सके। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो आप बस वहां से हट सकते हैं, उन चीजों को अस्वीकार कर सकते हैं, मीन्स वहां से अगर हट जाए, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है। लेकिन किसी के साथ बहस करना, ये सारी चीजें, अपना मन खुद खराब होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ये सारी चीजें बोलते हैं तो हमारे लिए भी बेनिफिट नहीं है। यस प्रभु। एंड प्रभु शायद ये वाला क्वेश्चन मे बी रिपीटेड है, लेकिन फिर भी कि हाँ मतलब दुर्योधन के पापा दैट इज धृतराष्ट्र ने भी मतलब भगवत गीता सुनी थी, तो उसकी बुद्धि पर क्यों नहीं असर हुआ? हाँ बिल्कुल, जिसकी बुद्धि माया द्वारा हरी जाती जा चुकी है ना, जो लोग माया के अधीन है। अब जो पुत्र मोह के, जिसकी आंखों पे पुत्र मोह का, बेटे के मोह का पट्टी पड़ा हुआ है, उसको आप कितना भी ज्ञान दे दो, कभी समझेगा क्या? जो भगवान के बारे में जानता नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को जानता नहीं है, है ना? संजय ने उनको सारी चीजें बताई, भगवान के स्वरूप के बारे में दिखाया, सब कुछ बता दिया, लेकिन जो भगवान के बारे में जानना चाहता ही नहीं है, जो मन से ही भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको आप कितना भी भगवत गीता पढ़ा दो, कभी समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। तो उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को भले सब कुछ बता दिया संजय ने, लेकिन वो इसलिए नहीं समझ पा रहा था कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने दुर्योधन से प्यार था, उसको मोह था उससे। दुर्योधन जब तक था तब तक उसको मोह था, तब तक उसको कोई ज्ञान स्वीकार नहीं था, चाहे भगवान स्वयं उसको आके ज्ञान देते। भगवान तो स्वयं अपने रूप दिखाए थे हस्तिनापुर में जाके, जब शांति संदेश लेकर गए थे, तो भी जी प्रभु, हाँ, तो भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। जब अज्ञान का पर्दा पड़ा होता तो भगवान भी स्वयं आ जाए तो भी जो है सत्य दिखता नहीं, यही इसी कारण से। हरे ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, फोर कुमारस कौन थे, अगर इनके बारे में कुछ बताते। जी बिल्कुल, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने चार कुमारों को जन्म दिया, मीन चार कुमारों को प्रकट किया। तो कहा चार कुमारों से कि आप लोग जो है सृष्टि की रचना कीजिए, ये बालक स्वरूप में थे, 5 साल के थे सभी, तो इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, मीन्स आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इस सारे झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम गृहस्थ नहीं बनाएंगे, मीन्स हम संसार का आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आप समझे हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया, इन चारों को, जब श्राप दे दिया कि आप इसी स्वरूप में रहेंगे, आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप बालक स्वरूप में रहेंगे। तो उसके बाद से ये जो है भगवान की भक्ति करने लगे, है ना? फिर भगवान ने आगे, ब्रह्मा जी ने जो है आगे का संसार बनाने के, फिर आगे मनु को प्रकट किया, अलग अलग अपने मानस पुत्र को प्रकट किया, तो इस प्रकार से आगे संसार चला। तो सर्वप्रथम चार कुमारों को प्रकट किया था, चार कुमारों को फिर श्राप दे दिया था कि आपका स्वरूप बालक के रूप में ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी कहानी थी उनकी। प्रभु जी, अब कोई प्रश्न नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है और एंट्रीज भी नहीं है। ठीक है मैडम, फिर क्लास में एंड करता हूँ जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण सभी को।